आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खमन ढोकला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, सिंपल सामान के साथ बन सकता है, जो हमारे घर में आसानी से मिल जाता है, और ढोकला बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और टेस्टी बनेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर बहुत ही टेस्टी ढोकला बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। आप कोई भी बाउल या कप आप सेट कर ले, उससे ही सारा मेजरमेंट करें आप। और इसमें मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी। तो ये नॉर्मल चीनी है, मैं पीस के नहीं डाली हूँ, आप रेगुलर चीनी यहाँ पे डालें। अब आप इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी हल्दी, बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो जो हम आगे इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं उसके साथ ही रिएक्ट करके ना रेड कलर का आपका ढोकला बन जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत कम हल्दी डालें, और आपको डालना है इसमें 1/2 टीस्पून सिट्रिक एसिड, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा हींग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इन सबको आप एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। चीनी, नमक और हल्दी सब आपस में मिक्स हो जाना चाहिए, इसमें चीनी का दाना नहीं रहना चाहिए। तो इसको आपको अच्छी तरह से डिजॉल्व कर लेना है। तो अब हम इस पानी को अलग रख देंगे और एक और हम बड़ा बाउल ले लेंगे और इसके ऊपर हमें रख देना है छन्नी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप बेसन और इसे हम थोड़ा सा छान लेंगे। छाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा ढोकला बनाने के लिए, इसे बेसन ना बहुत ज़्यादा एरी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप और ले लिया है, यानी कि मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1.5 कप बेसन। और इसे आप छान के ही बनाएं, जिसे आप छानते हैं ना तो इसमें बहुत सारे एयर आ जाते हैं, जिससे जो आपका बेसन है ना लाइट हो जाता है। तो खमन ढोकला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे छान के डालिए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे अब थोड़ा थोड़ा सा, जो हमने मिक्सचर बनाया है चीनी पानी का, उसको हमें घोल को यहाँ पे डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे मिक्स करते रहिए। इसमें बेसन का लम्प्स नहीं रहना चाहिए, तो इसको आपको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते रहना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमने घोल बनाया है उसको आपको पूरा यहाँ पर डाल देना है, इसमें से बचाना नहीं है। तो हम इसे यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आपको यहाँ पे बैटर को 4 से 5 मिनट के लिए, यानी कि 4 से 5 मिनट के लिए इसके अच्छी तरह से विस्क करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में घुमाइए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। तो इसके ऊपर देखिए बहुत सारे एयर बबल आ गए हैं। तो अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पर मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच का एल्युमिनियम टील ले लिया है, केक मोल्ड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और इस पर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। इसको आप अच्छे तरह से चारों तरफ फैला दीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। या मोल्ड में घी जरूर या ऑयल जरूर आप लगाएं, और उसको हम साइड पर रख देंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं, हमारा बैटर बहुत अच्छे से सेट हो गया है। देखिए इस पर बहुत सारे एयर बबल आ गए हैं, हमने इसमें कोई अभी सोडा डाला है फिर भी ये बहुत ज़्यादा एयरी हो गया है। तो इसे हम एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब आप इसमें डाल दीजिए अदरक और चिली का पेस्ट, लगभग 1 से 1.5 चम्मच, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैंने 2 चिली और थोड़े से अदरक को महीन पीस लिया है, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है। तो अगर आपके पास ये मेजरिंग स्पून नहीं है तो मैं आपको नॉर्मल स्पून से बताती हूँ, जो आपके हमारे घर में सबके घर में होता है, उसे आपको डालना है यहाँ पर 2.5 चम्मच ऑयल, या 2.5 से 3 चम्मच आप ऑयल आप डाल सकते हैं। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे जो आपका ढोकला में ना में सॉफ्टनेस आएगी और मॉइस्चर बना रहेगा, आपका जो ढोकला है वो ड्राई नहीं होगा। जब आप इतना काम कर लें तो आप क्या करें कि इसके बाद जस्ट आप पानी को गर्म होने के लिए रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक स्टील की कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैं डालूँ 1.5 से 2 गिलास पानी, और इसके ऊपर मैं एक स्टैंड रख दूंगी जिससे थोड़ा हाइट मिल जाए। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कोई भी रिंग रख सकते हैं या कोई प्लेट रख सकते हैं पुरानी से, और इसे हमें ढक के यहाँ पे आपको पानी गर्म होने के लिए रख देना है। तब तक हम क्या करेंगे, जो बेसन है इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसे हम खाने वाला मीठा सोडा भी कहते हैं। पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिए, उसके बाद ही आप इसमें ये इंग्रेडिएंट डालिए और इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप बेकिंग सोडा डालेंगे ना, आपका जो बैटर है बेसन का बहुत ज़्यादा एयरी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है, जितनी पहले थी उससे थोड़ी सी और बढ़ गई है। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 इनो का शीशे, इसको हम पूरा यहाँ पर डाल देंगे। और इसकी आप क्वांटिटी को देखिएगा, जैसे हम इसको इसमें डाल के हम घोलेंगे वैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे डालूँ 1 चम्मच के लगभग पानी, ये ज़रूर डालें आप,
और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए। आप इसकी क्वांटिटी को देख सकते हैं कि जितना नॉर्मल हमारा बैटर था उससे जस्ट डबल हमारा बैटर फूल के हो गया है, क्योंकि जो ढोकले का जो बैटर होता है इसी स्टेज पे फूल जाता है, पकने पर उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती उसकी वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही एयरी बैटर रेडी हो गया है, तो इसे हमें फटाफट से ग्रीस किए हुए मोल्ड में डाल देना है। यहाँ पे आपको देर नहीं करनी है, पानी भी इस स्टेज पे आपका अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने उसे पहले बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसके बाद इसे आप स्टीम होने के लिए रख दीजिए। आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली रखना है और इसे हम लीड से कवर कर देंगे और इसे हमें कुक करना है 15 से 20 मिनट के लिए। आप 20 मिनट के लिए इसे कुक कीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। 20 मिनट हो गए हैं तो मैं इसे चेक कर लूँगी। देखिए जो हमारा ढोकला है बहुत अच्छे से राइज हो गया है, ऊपर जिसकी लेयर देख सकते हैं बिल्कुल भी रेड लेयर नहीं आई है और बहुत ही सॉफ्ट ढोकला हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। तो आपको यहाँ पे इसे बहुत ही केयरफुली निकाल लेना है और इसको आपको ठंडा होने के लिए रख देना है। इससे पहले आप इसे डिमोल्ड ना करें जब तक ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए बहुत ही टेस्टी तड़का बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं डाल लूँ 2 चम्मच के लगभग ऑयल। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, यहाँ पे आप सरसों का तेल यूज ना करें। और जब ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच के लगभग राई और इसमें आपको डालना है 3 हरी मिर्च जिसे मैंने स्लिट कर लिया है, बीच से कट कर लिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें डाल लूँ 1/4 टीस्पून हींग, इसमें इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और आप इसमें डाल दीजिए 8 से 10 करी पत्ता और इसको आपको अच्छी तरह से पकाना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो रखें। आप देखिए जो हमारा चिली है अच्छे से पक गया है और करीब अच्छे से पक गई है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी, उसी कप से जिससे हमने बेसन लिया हुआ था उसी कप से मैं यहाँ पे 1 कप पानी डाल रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे अब 1/2 टीस्पून सॉल्ट, या आपको जितना सॉल्ट पसंद है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डालूँ 2 चम्मच चीनी क्योंकि हमने पहले भी 2 चम्मच चीनी डाला हुआ है। नमक की भी क्वांटिटी आप अपने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें क्योंकि हमने ढोकले में भी नमक डाला हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप नमक एडजस्ट कर लीजिए और इसे हमें अच्छी उबाल आने तक इसे पकाना है। तो हमारे यहाँ पे जो पानी है इसमें सारा फ्लेवर आ गया है, तो अब मैं इसमें डालूँ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इससे लुक और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। और लास्ट में आपको डालना है इसमें 1/2 लेमन का जूस, या आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, या फिर आप डाल सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा विनेगर। हमारा तड़का अच्छे से पक गया है तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा ढोकला है बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। बहुत ईजली होता है तो आप किसी भी नाइफ से इसके चारों तरफ से निकाल लीजिए और इसे आपको थोड़ा सा टैप करके निकाल लेना है। जब ये ठंडा हो जाता है तो बहुत ही ईजिली निकल जाता है, अगर आप गर्म जब होगा ढोकला तभी आप निकालेंगे तो टूट सकता है ये, तो इसलिए ठंडा होने के बाद ही आप निकालें। तो देखिए हमारा बहुत ही सॉफ्ट ढोकला बनके रेडी हो गया। आप ऊपर जो लेयर देख रहे हैं ना वो अदरक का पेस्ट जो हमने डाला था वो आपको दिख रहा है, तो मैंने इसे टर्न कर लिया है। देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है और इसकी बहुत ही स्पॉन्जी बना हुआ है, तो इसे हम कट कर लेंगे। अपने मनचाहे शेप में, बड़े या छोटे शेप में आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक ढोकले का पीस निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी जाली आई हुई है और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है। अगर मैं इसको प्रेस भी करूँगी तो यह वापस अपने शेप में आ जा रहा है। आप जितने भी ज़ोर से इस पर प्रेस करेंगे ये वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो यही है बिल्कुल परफेक्ट ढोकले का निशानी। तो अब हम इसके ऊपर अपने तड़के को डालें। जब आप इस पर तड़का डालें तो तड़का जो है आपका वो हल्का गर्म होना चाहिए जिससे जो ढोकला है उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो अब हम इसके लिए बहुत ही टेस्टी चटनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक मिक्सी जार में डाल दिया है थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें हम डाल दीजिए अदरक और लहसुन और मैं यहाँ पे डाल लूँ 1 हरी मिर्च तोड़ के। यहाँ पे हम ढोकले के लिए चटनी बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको डालना है ढोकले का थोड़ा सा पीस, जो किनारे वाला पीस होता है ना वो यहाँ पे आप डाल दीजिए थोड़ा सा, और डाल दीजिए आप थोड़ा सा सॉल्ट। और यहाँ पे आपको पहले ऐसे ही बिना पानी डाले हुए इसे मिक्सी में घुमा लेना है। अगर आपको लगे कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत है तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसको आप बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना लीजिए।
तो यहाँ देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी यहाँ चटनी बनके रेडी हो गई है। इसमें आपको और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ये चटनी इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस चटनी को इस ढोकले के साथ एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम ढोकले को सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ढोकले कितना ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। इस पर मैं डाली हूँ थोड़ा सा नारियल का बुरादा और मैं थोड़ा सा डाल दूँगी यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है और बिल्कुल परफेक्ट बनता है अगर आप इसी माप के साथ बनाएंगे तो। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।